आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बांग्लादेश में सियासी उठापटक और तख्ता पलट के बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस ने कल यानी कि गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ ली। आपको हम बता दें कि उनकी काउंसिल में कुल 16 मेंबर हैं, जिनमें आंदोलन से जुड़े दो छात्र नेता भी शामिल हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने भी अंतरिम सरकार को बधाई दी है और हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अंतरिम सरकार के दूसरे सदस्यों ने भी शपथ ली। मोहम्मद यूनुस को 16 परिषद सदस्य मदद करेंगे और छात्र आंदोलन के दो नेता आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम भी अंतरिम सरकार में शामिल हैं। जनजाति समुदाय से सुप्रदीप चकमा को मिली जगह और अल्पसंख्यक समुदाय से प्रोफेसर बिघान रंजन राय को मिली जगह। अंतरिम सरकार में किसी सियासी दल को जगह नहीं दी गई है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जल्द सामान्य स्थिति बहाली और हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई। शपथ से पहले लेबर लॉ कानून के उल्लंघन के मामले में मोहम्मद यूनुस को बरी कर दिया गया। 1 जनवरी को यूनुस को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।